मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने आग लगने का कारण बताते हुए कहा कि जो कॉम्प्लेक्स दुकानें, घर, बहुमंजिली इमारत में अधिकतर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, यदि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का ऑडिट करा लिया जाए तो हम अधिकतर घटनाओं को रोक सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पर भी अग्निशमन व्यवस्था स्थापित है उसको चेक करा लिया जाए। हम लोग भी अभियान चलाकर चेक कराते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी, सिगरेट पीकर फेंक देते हैं और कुछ लोग डंठल में आग लगा देते हैं और भूसा बनाने वाली मशीन ना लगाएं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आग लगने से रोका जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा, कॉम्प्लेक्स हैं, दुकानें हैं, घर है, बहुमंजिली इमारतें हैं, देखा जाता है अधिकांशतः इस समय की इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगती है। यदि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की ऑडिट करा लिया जाए तो 90% हम घटनाओं को रोक सकते हैं। इसी तरह से मेरा एक और मैसेज है कि जहां पर भी अग्निशमन व्यवस्थाएं स्थापित हैं उसको चेक करा लिया जाए उनके माध्यम से। अगर वो मुझे भी बताते हैं, हम लोग भी अभियान चला करके चेक करते रहते हैं, तो वो अगर ठीक हो जाए तो कोई यदि घटना होती है तो हम उस जो भी उपकरण लगे हुए हैं उससे हम जो है आग को रोक सकते हैं बढ़ने से। इसी तरह से रूरल एरिया में अधिकांशतः देखा जा रहा है कि फसल की आग है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बीड़ी, सिगरेट लोग गलती से फेंक देते हैं पी करके। जो है आज की समस्या जो सबसे ज़्यादा है कि मैं ये देखता हूँ कि घटनास्थल पर हम लोग पहुँचते हैं तो पता चलता है कि या तो डांट को फूंक दिया गया है, आग लगा दी गई है। हवा की रफ्तार इतनी होती है कि अगल बगल जो है फैल जाता है, सैकड़ों सैकड़ों बीघा तक जो है डंठल जो है फूके जा रहे हैं। ऐसे में मेरा लोगों से अपील है कि हवा चले तो इस तरह का कार्य न करें। एक तो पहली चीज़ कि इस पर पाबंदी है, ये काम न करें। दूसरी चीज़, कंबाइन से कटवा रहे हैं वहाँ पे पानी ओनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। जो भूसा बनाने वाली मशीन है उससे ज़्यादा अग्नि दुर्घटनाएँ हो रही हैं, वहाँ पर भी जो है पानी की व्यवस्थाएँ, दो चार ड्रम पानी रखवा लें जहाँ पे भी कट रहा है जिस एरिया में। तो कोई भी आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है और वहाँ पर किस तरह का पदार्थ है, किस तरह का मटेरियल है जिससे आग बढ़ती है, तो आप जानते ही हैं कि गेहूं के डांट एकदम सूखे हुए हैं, हवा इतनी तेज चल रही है और थोड़ी सी एक चिंगारी जो है पूरे जो है आगोश में ले रही है। तो केवल इन छोटी छोटी बिंदुओं पर अगर हम ध्यान दें तो अग्नि दुर्घटनाओं को हम न्यूनतम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और जन एवं धन को बचा सकते हैं।